ये भी जी हमारा ही खेत है, इसमें ना अभी बरसन लगाना है, इसमें मुंजी नहीं लगाई। और ऊपर जी आंवले का बूटा आप लोग देख रहे हो, इधर ये देखो जी आंवले पड़े हुए हैं जी। ये भी आंवला एक, एक इधर भी है। ये देखो जी, ये जी मुझे 5 आंवले मिले हैं। ये आंवले का दरख्त था जी, नीचे से इसकी जड़ ना फुल सूख गई है, लेकिन अभी भी ना ये फल देता है, मतलब कि हरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं मेरे सारे व्यूअर जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। तुसी तो आपके साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर ले। तो जी अभी मैं फिर पुराने ट्यूबवेल पर आ गया हूँ, जिस ट्यूबवेल पर ना हम पिछले दिनों पर ना नहाया करते थे, आप लोग देख रहे हो ये वही ट्यूबवेल है। तो अभी ये ट्यूबवेल बंद है क्योंकि चावल की फसल है ना जो वो तैयार हो गई है, इसलिए ना ट्यूबवेल अभी ना बंद है। इसको आप लोग देख रहे हो डाम दिया। तो हमने भी चावल की फसल मतलब कि मूंजी लगाई हुई है, तो भी मैं ना खेत की तरफ जाने लगा हूँ कि वो कैसी है और तैयार हुई कि नहीं, क्योंकि एक दो दिन के अंदर अंदर ना उसको काटना है। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने खेत में और उधर जाके देखते हैं कि कैसी है हमारी फसल। तो जी अभी मैं जा रहा था अपने खेत की तरफ, तो पिछले दिनों में हवा आई थी जिसकी वजह से ना ये फसल ना गिर गई, आप लोग देख रहे हो ये वो उधर तक ना गिर गई है। तो और फसल तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो तैयार हो गई है, इसको ना दो तीन दिन के अंदर ना कटवाया जा सकता है। तो हमारी फसल में ना थोड़ी सी मिलावट है, मतलब कि 15-0 का भी है और सुपर भी है। तो भी जाके देखते हैं कि उसकी ना क्या सूरत हाल है। तो ये अभी मैं खेत में आ गया हूँ, ये हमारा खेत है, इधर ना हमने 15-0 लगाई थी, लेकिन कुछ दाने ना ये आप देख रहे हो अभी तक ना कच्चे है, ये सुपर के निकल आया। तो वो उधर तक ना हमारा 1 बीघा लगाया हुआ इधर, और 1 बीघा ना थोड़ी आ गया, वो भी आपकी चल को बताते हैं। तो जो बीज होता ना उसकी मिलावट हो गया, जिसकी वजह से ना ये खेत में ना 15-0 भी है और सुपर भी है। आसपास के जितने भी खेत हैं उधर से ना ये चावल की फसल ना कटवा दी गई है, सिर्फ हमारा ही खेत रहता कटवाने को। और ये इधर पास के खेत से ना अनार इकट्ठा करके ना इधर लगवाया लोगों ने। ये जी माशाल्लाह खेत है, और इसको ना एक दो दिन के अंदर अंदर ना काशत कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये जो दाने होते ना ये पक गए हैं। तो एक दो दिन के अंदर ना हम खुद इसको काशत करेंगे। तो अभी दूसरे खेत की तरफ चलते हैं। ये भी जी हमारा ही खेत है, इसमें ना अभी बरसन लगाना है, इसमें मुंजी नहीं लगाई। और ऊपर जी आंवले का बूटा आप लोग देख रहे हो, इधर ये देखो जी आंवले पड़े हुए हैं जी। ये भी आंवला एक, एक इधर भी है। ये देखो जी, ये जी मुझे 5 आंवले मिले हैं। ये आंवले का दरख्त था जी, नीचे से इसकी जड़ ना फुल सूख गई है, लेकिन अभी भी ना ये फल देता है, मतलब कि हरा है। और कुछ दिनों के बाद ना इस खेत में ना हम लोग बरसन लगा देंगे, 2-3 दिन के बाद इसको काशत करके हल चला के ठीक कर दिया। और इधर जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने लहसुन लगाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। ये देखो जी लहसुन का बीज लोगों ने बहुत लगाया हुआ है, इधर सारा जी लहसुन लगाया हुआ है। ये देखो इधर पालक भी लगाई हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है जी। साथ हवा भी चल रही है, सियाल सर्दी आ गई ना तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। इधर देखो जी लहसुन लगाया हुआ है वो उधर तक लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत खेत लग रहा है। और साथ ना बहुत हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है जी आज का व्लॉग बनाने में। और जी इस खेत के पास ही ना लहसुन वाले खेत के पास ये दूसरा खेत है, इस खेत में ना भाई वाटर वगैरह बना गया वो उधर तक आप लोग देख रहे हो बहुत दूर तक। इधर ना उन्होंने ना आलू वगैरह लगाने हैं, क्योंकि सर्दी में ना आलू ना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अभी ये थोड़ी सी जगह रहती है, तो इधर ना वो सारी जगह वो दूर तक आप लोग देख रहे हो वो ना इसकी वाटर वगैरह बना गया। अब इस बार ना आलू लगाएंगे, ये देखो वो दूर तक। और पास ही में वो अंब आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा लगाए वो दूर तक, अंब का बाग है सामने तो बहुत ज़्यादा जी। ये देखो इधर सारे अंब का फल है जी, अंब का बाग लगाया हुआ है। और इधर भी जी लोगों ने मूंजी लगाई हुई है सुपर, इसका दाना तो अभी कच्चा है बीज। ये देखो जी इसको ना अभी 10-15 दिन लगेंगे तैयार होने में जी। और जी अपने खेत में ना 2-3 दिन के बाद ना परसन लगा देंगे इंशाल्लाह। अभी जी मैं अपने खेत से आ रहा था, तो भाई जान बोल रहे थे कि मुझे ना चारा उठा दे, मेरे साथ ना मदद करा दे। तो मैंने ना उनको
चारा उठा दिया उनके साथ। ये जी अभी सारे खेत खाली पड़े हैं, एक महीने के अंदर अंदर ना इनमें ना कनक वगैरह लगा दी जाएगी। ये सारे खेत ऐसे ही पड़े हैं, सिर्फ हमारे खेत में मूंजी है जी। ये देखो जी मौसम भी बहुत प्यारा आज। और जी सर्दियों का जो चारा होता ना बरसन, वो भी लोगों ने लगा दिया, वो भी आपको ना चल के बताते हैं। तो जी बरसन देखने से पहले ये देखो जी गोंगलू माशाल्लाह लोगों ने लगा दिए। ये देखो जी अभी छोटे छोटे आ, ये खेत में ना गोंगलू की फसल भी लगा दी है। और जी ये रहा जी बरसन, ये देखो जी अभी बहुत छोटा है, ये ना एक एकड़ में लगाया हुआ इधर से सारा, आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ना हरा भरा खेत लग रहा है। ये इधर ना बरसन लगा दिया गया जी। आज का ब्लॉग इधर ही करते ख़त्म, और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।